जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए कहावत सच होती हुई दिखाई दे रही है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ही हुआ, पाकिस्तान पहुंच गया था यूएन के, हमें कुछ आर्थिक रूप से मदद मिल जाएगी, फ्री फोकट की कुछ हेल्प हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं ये जो जनेवा के अंदर उन्हें $10 बिलियन का पैकेज मिला है, इसका 90% हिस्सा उन्नत संस्थाओं ने हमें लोन के रूप में दिया है, कर्ज के तौर पर दिया है, और आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान को पैसा वापस भी करना है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान को देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसकी लंका लगी हुई है, पैसा मिलने के बावजूद भी उसके गले में एक फंदा लटक गया है। क्या है मामला, शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट न्यूज को। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान का इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मदद दी है $4.5 बिलियन, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और लास्ट में वर्ल्ड बैंक। दरअसल इन सभी बैंकों ने जो पैसा दिया है वो पाकिस्तान को एक लोन के रूप में दिया है, कर्ज के रूप। और दूसरी तरफ सऊदी अरब भी $1 बिलियन देने की बात कर रहा है, और उसके बारे में भी अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि वो ये पैसा एड के रूप में देगा या लोन या कर्ज के रूप में। तो मित्रों ये सारा मामला चल रहा है जी, और इसी को लेके जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने सारी बातें अपनी जनता को बता दी, कल को की कोई दिक्कत ना हो और पाकिस्तानी कहीं ये सोचते रह जाए कि ये तो फ्री फंड का पैसा है। ये फ्री फंड का पैसा नहीं है दोस्तों, ये पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये पैसा लगेगा कहां, ये पैसा दरअसल लोन के थ्रू आएगा। ये पैसा जो भी क्षति हुई है सड़कें बनाने, रोड बनाने, किसानों की जो क्षति हुई है उसका मुआवजा या जो भी भरपाई होनी होगी वो, और फिर उन्हें नई फसल लगाने के लिए थोड़ा बहुत बीज खरीदने के लिए, और उसके बाद ये सारा पैसा पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगने वाला है। अब आप सभी लोग बोलोगे कि हमने तो सोचा था पाकिस्तानियों को ये पैसा फ्री में मिल गया, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ तो धोखा हो गया। लेकिन दोस्तों इसे आप मदद ही समझो, आप ये मत समझो कि पाकिस्तान का नुकसान हो गया है, क्योंकि इस बात को ऐसे देखो, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान ने दुनिया के लगभग हर देश के पैसे उधार ले रखे हैं और उसे वापस देने ही देने हैं, और अब थोड़े से और पैसे आ गए हैं तो कुछ तो काम चलेगा। और वैसे दोस्तों इन दिनों पाकिस्तान को तो पैसा मिलना ही मुश्किल हो गया था, IMF ने $6 बिलियन का पैकेज भी रोक रखा है, और उसके बाद इतना बड़ा पैकेज मिल गया तो पाकिस्तान के लिए तो एक तरीके से लॉटरी लग गई है अभी भी। और पाकिस्तान सरकार का वैसे भी एक ही लक्ष्य है कि जहां से भी हो सके कर्जा लाओ, पैसे लाओ, पैसे लाओ, और जब बात देने की आएगी तो कोई और राजनेता आएगा सत्ता में, कोई और पार्टी होगी, और फिर और उसके बाद वो भी नाटक चालू कर देगा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, हाथ पैर जोड़ेगा, तो ऐसे भी राहत मिल सकती है। और अगर ये सारी मजाक की बातें छोड़े और पाकिस्तान तरक्की कर जाता है तो फिर तो वो पैसा उतार ही देंगे। आप सभी की इस खबर पर क्या राय है कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।